दो बजे मैं यहाँ पर आ गया था और अभी 4 बज गई है और सिर्फ हम दो ही पैसेंजर हैं अभी, और कोई भी पैसेंजर नहीं आया यहाँ पर। पता नहीं कितने पैसे लेंगे और कब निकलेंगे और कब पहुँचेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अभी तो ये कार लेकर कहीं पर चले गए थे, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो बोल के गए कि 10 मिनट में आ रहा हूँ, जितना मुझे थोड़ा बहुत रशियन में समझ में आया। लेकिन जो साथ में लड़की थी उसने सुना नहीं था या उसने देखा नहीं था, सो पता नहीं क्या हो गया था। वो एकदम टेंशन में आ गई थी कि कहाँ चली गई कार, मुझे भी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रही है। और सब जगह वो पूछ रही थी, बहुत सारे ड्राइवरों से पूछा, इधर 2-3 शॉप्स हैं वहाँ पर सब लेडीज़ हैं उनसे पूछा, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं उनके साथ इधर उधर घूम रहा था जहाँ जहाँ वो जा रही थी, फिर एक अंकल आ गए थे बीच में मदद करने के लिए। सो वो सब तो रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, और पता नहीं अब क्या सीन है, वो चल रही है जा रही है या नहीं जा रही है कुछ पता नहीं मुझे। लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था तो उन्होंने बोला कि आप बैठ जाओ कार में, और आगे का दरवाज़ा खोल दिया और अब मैं आगे वाली सीट पर बैठ गया हूँ। 4:10 हो गई है भाई, और 2 घंटे से एक भी पैसेंजर नहीं आया होश के लिए। ये लोग सबसे पूछ रहे हैं कि होश होश जलालाबाद होश, लेकिन कोई भी नहीं है यार, क्योंकि वही रीज़न है कि कोई टूरिस्ट नहीं है। और पता नहीं यार, सैटरडे है फिर भी कोई लोकल वहाँ पर जाना नहीं चाह रहा है, क्या सीन है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये मेन स्टेशन है, मतलब यहीं से आपको होश के लिए बस मिलती है या फिर वैन मिलती है, तो शायद मेरे ख्याल से बस तो नहीं मिलती है क्योंकि बस वहाँ पर टनल है इसलिए बस अलाउड नहीं है। लेकिन इस तरह की मिनी वैन रहती है या फिर कार रहती है, सो उससे हम लोग जाएंगे। और अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने अपना बैग निकाल लिया है, पता नहीं मैं अकेला जा रहा हूँ या क्या सीन है कुछ पता नहीं। तो अपना बैग निकाल के चली गई है भाई, मुझे सामने जाते हुए दिख रहे हैं वो। आई डोंट नो, वो तो लोकल है पर मुझे तो वहाँ पर जाना ज़रूरी है, तो मैं तो बैठा हूँ अभी कार के अंदर। भाई फाइनली अभी 6 बज रही है, एग्जैक्ट 6 बज रही है, और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से होश के लिए। सो कोई पैसेंजर तो मिला नहीं, जैसे आप देख रहे हो पूरे बॉक्सेस भरे हुए हैं पीछे, और ये वाली टैक्सी में से मैं ही जा रहा हूँ यहाँ से। और काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी इसलिए ये बांध लिया मैंने रुमाल, लेकिन काफ़ी वियर्ड सीन है यार, मतलब कोई भी नहीं जा रहा है होश में। आज मेरे ख्याल से 4 घंटे में पूरे रुका रहा इनके साथ में, थोड़ी देर में सो भी गया था कार के अंदर बैठे बैठे, लेकिन कोई भी होश के लिए आया ही नहीं है। कोई बात नहीं, तो हम लोग जाएंगे यहाँ से सीधा होश और सुबह पहुँचेंगे। अभी कम से कम 12 या 13-14 घंटे भी लग सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं है। पर एक चीज़ अच्छी है कि कोई भी नहीं है कार में, अच्छा भी है बुरा भी है, मतलब ये सब बॉक्सेस हैं, बात करने के लिए कोई नहीं है। और जितनी थोड़ी बहुत रशियन आती है गूगल ट्रांसलेट से, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि ये ड्राइव करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। अरे यार बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अभी फिर से 7 बज चुके हैं और हम लोग वापस से बस स्टैंड पर आ गए हैं जहाँ से निकले थे। और अब देख रहे होंगे आपके पीछे कोई भी बॉक्सेस नहीं है, उन्होंने पीछे वाली सीट पे और डिक्की में सारे बॉक्सेस जमा दिए। और अब शायद से एक और फैमिली आने वाली है यहाँ पर, क्योंकि किसी का बैग रखा हुआ है यहाँ पर और वो 2 बच्चे थे उनके साथ में, तो शायद वो लोग भी हमारे साथ आने वाले हैं। पर कुछ पता नहीं है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वापस से बस स्टैंड पर ले आए, कभी सामान लेने चले जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, और ये हाल है भाई किर्गिस्तान की सबसे बड़ी 2 सिटीज़ के बीच में ट्रैवल करने के लिए। यहाँ पे कोई बस नहीं जाती है, कोई ट्रेन नहीं जाती है, सिर्फ ये टैक्सी जाती है, और टैक्सी के लिए भी इतनी माथा फोड़ी है यार। तो आप सोचो मैं 2 बजे यहाँ पर आ गया था, 1:30 बजे निकल के ढूंढते ढूंढते 2 बजे मेरा हो गया था टैक्सी का जाने का, लेकिन अभी 7 बज चुके हैं और अभी तक मैं उसी बस स्टैंड पर हूँ। ये सामने मेरा हॉस्टल दिख रहा है मुझे, आपको दिखा देता हूँ। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ये मेरे हॉस्टल की है। अभी मैं हॉस्टल से समझो कि सिर्फ 10-15 कदम दूर हूँ, और पिछले 5 घंटे से मैं यहीं पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। टाइम वेस्ट तो नहीं, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ ये वाली टैक्सी आज जाने वाली है
पास में दो चार और टैक्सियां खड़ी हुई है, लेकिन कोई भी आज नहीं जा रहा है होश, क्योंकि कोई पैसेंजर ही नहीं है यार होश जाने के लिए। अभी ये फैमिली थी, ये भी पता नहीं कहाँ चली गई, अभी तक ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे और अभी फिर से बैग रख के कहीं और चले गए वो लोग। अभी ड्राइवर भी चले गया कहीं पर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार। मैं बैठा हूँ खाली गाड़ी के अंदर, गाड़ी का ख्याल रख रहा हूँ मैं। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा यार, मैं फिर से इंतज़ार कर रहा हूँ अभी वो फैमिली का और फिर ड्राइवर का। और मेरे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है, सो आई होप ये कहीं पर खाने के लिए रोकेंगे। मेरे पास मतलब नूडल्स है, लेकिन नूडल्स तो खा नहीं सकता ऐसे डायरेक्ट, अंधेरा होने वाला है यार। इतना टाइम हो गया, अभी एग्जैक्ट टाइम बताऊँ तो 6:45 हो रहा है और मुझे नहीं लगता 7:15, 7:30 बजे के पहले हम लोग निकलने वाले। ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए। चलो फैमिली का समझ में आता है कि वो लोग कहीं गए होंगे बच्चों को लेकर, लेकिन ड्राइवर कहाँ चले गए अभी एकदम से। इतनी देर से अभी वो बैग जमा रहे थे, ये सब पैकेट जितने भी थे बॉक्सेस वो सब जमाए। ये वाली सीट पीछे वाली पूरी खाली कर दी, तो शायद ये फैमिली के लिए करी होगी। और जो फैमिली में जो उनके साथ जो बंदा था वो मदद कर रहा था यार पूरा बैग वैग जमाने में। तो पहले मैं भी कंफ्यूज था कि भैया वो इनके साथ कोई हेल्पर है या फिर यहीं पर कोई ड्राइवर है या फिर फैमिली वाला है। सो वैसे ट्रांसपोर्टेशन तो काफ़ी सस्ता है, मैंने इनको 1200 सोम दे दिए हैं, करीब 1050 रुपये होते हैं ये। कम पैसे दिए हैं उस हिसाब से, क्योंकि 14 घंटे लगेंगे, उसके बाद भी मुझे आगे जाना है, सो काफ़ी टाइम लगने वाला है। एंड आई होप ये राइड अच्छी रहे। मैं तो अपना भाई सीट बेल्ट लगा के और सो जाऊँगा, क्योंकि रात को वैसे भी कुछ दिखने वाला नहीं है। अगर कुछ दिखेगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, वरना लगता तो नहीं मुझे कुछ दिखेगा। कहीं भी नहीं है यार, दूर दूर तक ना ही कोई ड्राइवर दिख रहा है मुझे, कोई मतलब हमारे वाले ड्राइवर, और ना ही कोई ये फैमिली के कोई मेंबर दिख रहे हैं। पिछला वीडियो मैंने बनाया था 6:45 पे और अभी 7:45 हो गए और हम लोग अभी भी यहीं पर ही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। अभी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भर दिया है इन्होंने टैक्सी को। ये मेरे साइड में यहाँ पर ऐसे पाइप्स रखे हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ के क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और पीछे का तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ ज़्यादा ही भर दिया भाई टैक्सी। मेरे ख्याल से उनको ऐसा लगा था कि और कोई पैसेंजर नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्गो ले लेते हैं, उस चक्कर में कुछ ज़्यादा ही सामान ले लिया इन्होंने। और अब ये फैमिली भी आ गई है और ये चाह नहीं रहे कि ये फैमिली को ये छोड़ें। पता नहीं यार ये फैमिली कुछ अलग से टैक्सी करके जा सकती थी, लेकिन वो भी इसमें जाना चाहते हैं और मैं भी इसमें जाऊँगा। मैं तो इसी में जाऊँगा भाई, मैं उतरने वाला नहीं हूँ। मैं 2 बजे से यहाँ पर आके बैठा हूँ, ये तो अभी 1-1.5 घंटे से आया है, तो मैं तो नहीं उतरूँगा भाई। मैंने पैसे भी दे दिए ऑलरेडी, लेकिन कुछ ज़्यादा ही सामान भर लिया यार, इतना ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। हम ट्रक वाला सामान ये लेके जा रहे हैं कार में, और बस यार क्या बताऊँ यार, हर थोड़ी देर से बोलते हैं कि बस 1 घंटे बाद चलेंगे, 1 घंटे बाद चलेंगे, लेकिन अभी तक कुछ प्रोग्रेस नहीं है। अभी भी काफ़ी सारा सामान मुझे बाहर दिख रहा है और यहाँ मेरे आगे भी बार बार देखने आ रहे हैं कि यहाँ पर कुछ फंसा सकते हैं क्या, लेकिन यहाँ कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि मेरा छोटा बैग मेरे पास में रखा हुआ है और बड़ा बैग का आई होप उन्होंने ढंग से रख दिया हो पीछे। दो सबसे बड़े सिटीज़ के बीच में ट्रैवल करने का ये हाल है, और ऐसी तो कितनी छोटी टनल बनाई है कि एक मशरूम का नहीं जा सकती उसमें से। मशरूम का की हाइट में इसके हाइट में मुश्किल से 1 फीट का फ़र्क होगा, लेकिन मशरूम का नहीं जा सकती, और ये वाली वैन मिनी वैन ये जा सकती है। कुछ साथ ही सामान भर दिया है और मुझे, मैं तो चलो आराम से बैठा हूँ, मुझे थोड़ा सा वो भी लग रहा है कि ये फैमिली कैसे बैठी हो, कि इनके पास में 2 बच्चे हैं और फिर ये हस्बैंड वाइफ हैं, सो पता नहीं कैसे बैठेंगे ये लोग। सामान पे सामान आया जा रहा है यार, ये सारी चीज़ें भरे जा रहे हैं यहाँ पर। मतलब ऐसा नहीं कि अभी भी सामान
लेना रोक दें। इतना टैक्सी में सामान भर दिया है, बिल्कुल कार्गो की गाड़ी लग रही है और हम लोग डिलीवरी बॉयज लग रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सामान ले लिया है और पूरा बारिश जैसा मौसम हो गया है फिर से। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल साफ मौसम था, कुछ बारिश जैसा नहीं था, लेकिन अभी थोड़ी बहुत बारिश भी होने लगी है। पता नहीं भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर से बोल रहा हूँ मैं यार, किर्गिस्तान की दो सबसे बड़ी सिटीज़ में ट्रैवल करने के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। 8 घंटे हो गए मुझे इस टैक्सी ड्राइवर के साथ में, और अब ये लोग बैठेंगे। काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सिचुएशन है। अब देख लो भाई कितना छोटा बच्चा है इनके पास में, और सामान भी रहता है। अभी ट्रैवल कर रहे हैं तो इनका सामान है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैमिली है और ऐसे ही बिना सामान लिए कोई कहीं नहीं जाता। आई होप सब सही से हो जाए और सही से हम लोग सुबह तक पहुंच जाए, क्योंकि मेरे तक तो कोई सामान गिरेगा नहीं क्योंकि सब कुछ पीछे रखा हुआ है। लेकिन ये सब बच्चे हैं यार, दो बच्चे, इनके ऊपर सामान वगैरह गिर गया तो हालत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि मोस्टली सब बड़े बड़े बॉक्सेस हैं और थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े का सामान है। बिल्कुल पीछे का कुछ दिख ही नहीं रहा है, पहले पीछे मुझे खिड़की दिख रही थी, अब मैं देख रहा हूँ पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है। चलो अब निकलते हैं, फिर बताता हूँ आपको। फाइनली अब हम लोग निकल गए भाई, और आई होप सब कुछ सही से हो जाए और अब सीधा बात करेंगे आपसे सुबह। और अब फाइनली भाई बिश्केक को बाय बाय बोल के मैं जा रहा हूँ वोश की तरफ, और अब बिश्केक में आना होगा जब मैं अगली बार आऊँगा किर्गिस्तान में। सो यहाँ पर है मेरा एप्पल हॉस्टल, पास में ही था, काफ़ी ज़्यादा टाइम बीता है भाई। टैक्सी के अंदर इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा सर, बैठे बैठे इतना कभी सोचा नहीं था मैंने। ये देखो भाई बारिश जैसा मौसम हो गया है, और अब अच्छा हुआ यार मैं तो नहीं चला रहा। अगर यहाँ पे आके आप गाड़ी रेंट करते हो, खुद जाते हो, सब पता नहीं अभी कैसा रास्ता होने वाला है आगे, क्योंकि करीब 600 किलोमीटर के लिए लगने वाले हैं 14 घंटे। हाँ और गाड़ी कुछ ज्यादा ही भर लिया है। यहाँ पर इस तरीके से बैरिकेड होता है, इनको आईडी दिखाना पड़ता है, फिर निकलते हैं गाड़ी। और अब पहली बार इन्होंने अपनी गाड़ी मोड़ी है राइट साइड में, जिस डायरेक्शन में है ओश।